एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज अवर पार्ट 15 ऑफ दिस सीरीज। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पार्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है हमारा इन दो शब्दों का, इंजेनुअस एंड इंजीनियस। फर्स्ट वर्ड है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब होता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा है, सरल है और फ्रैंक है, जो जैसा है वैसा कह देता है, अपनी कोई उसमें अंदर कोई छल कपट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंजेनुअस। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे नाइव एंड इनोसेंट। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, जिसमें किसी कोई छल कपट है, जिसमें कोई चालबाजी है, दैट इज आर्टफुल या फिर डिसइंजेनुअस। एग्जाम्पल देखते हैं, माई इंजेनुअस 6-year-old सिस्टर स्टिल बिलीव्स दैट सेंटा क्लाउज आर इन रियल। आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चों से कह देंगे कि सेंटा क्लाउज आने वाला है तो वो बिलीव कर लेंगे कि हाँ सच में आने वाला है, वो इतने भोले होते हैं। क्योंकि इट इज इंजेनुअस टू सपोज दैट मनी डज नॉट प्ले अ पार्ट इन सम फेमस इंस्टीट्यूशंस फॉर एडमिशंस। अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि पैसों के बिना ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां एडमिशन हो जाएगा, तो आप इस बात के लिए काफ़ी सीधे हैं। मतलब आपको अभी दुनियादारी की समझ ही नहीं है कि असल में रियल वर्ल्ड में क्या चलता है। तो इंजेनुअस का मतलब बहुत सीधा और सरल व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चतुर हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, स्मार्ट हो। ठीक है, आप इसको जीनियस से भी याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है यहाँ जीनियस की। ठीक है, इंजीनियस का मतलब कोई बहुत ही इनोवेटिव, स्किलफुल और ब्रिलियंट इंसान। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे इसके अनइमेजिनेटिव और अनक्रिएटिव। यहाँ आप स्किलफुल की स्पेलिंग पर ज़रूर ध्यान देना, इसमें डबल एल नहीं आता, सिंगल एल होता है। With how skilled my chess opponent was, it would take an ingenious strategy to defeat him and a fair amount of luck. ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो opponent है मेरा, उसे हराने के लिए मुझे एक बहुत smart strategy की और एक बहुत सारे luck की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, she has ingenious at finding ways to work more quickly. क्या है, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है और वो जल्दी से किसी समस्या का हल ढूंढ लेती है, रास्ता ढूंढ लेती है, तो वो कैसी है, इंजीनियस है। ठीक है, इंजीनियस। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा इन तीन शब्दों का, इंडिजनस, इंडिग्नेंट एंड इंडिजेंट। फर्स्ट वर्ड है इंडिजनस। ठीक है, इंडिजनस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने ही देश में जिसका ओरिजिन है या फिर अपने ही देश में जिसका निर्माण हुआ है, बना हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिजिनस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नेटिव या फिर ऑटोक्थनस। एग्जांपल है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लाइकली टू बी कमीशन बाय अर्ली 2021। जो एयरक्राफ्ट है वो क्या है, इंडिजिनस है, वो पूरी तरीके से क्या, भारत में बना हुआ है, स्वदेशी है। ट्रेन 18 इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन रीनेम्ड वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ आपको देखो दो जानकारियां मिल गई हैं, एक तो क्या है ट्रेन 18 वो इंडिजिनस है, वो पूरी तरीके से क्या, इंडिया में बनी हुई है, और अब उसका नाम क्या हो गया है, वंदे भारत हो गया है। ठीक है, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट इसका मतलब होता है किसी की एक्शंस या बिहेवियर के कारण जब हमें उस पर गुस्सा आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिग्नेंट। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे एपोप्लेक्टिक एंड एनरेज्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, खुश होना, ठीक है, डिलाइटेड या फिर प्लेस्ड। बिकॉज द टीचर एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग द बॉय बिकेम इंडिग्नेंट एंड वॉक्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। अगर आप पे भी कोई झूठा आरोप लगाएगा, ब्लेम करेगा आपको, तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसे गुस्सा आ गया, वो क्रोधी हो गया और उसने क्लासरूम छोड़ के चला गया। द वुमेन वॉज indignant about the way she had been treated by the rude clerk. अब उस क्लर्क ने उससे इतना रूड बिहेव किया तो ऑफकोर्स उसे क्या आया होगा, गुस्सा आया होगा, तो वो क्या हो गई, क्रोधी हो गई, रुष्ट हो गई, indignant हो गई। ठीक है, indignant मतलब क्रोधी, रुष्ट, गुस्सा आना, anger. Next word है indigent. इसका मतलब है कोई बहुत ज़्यादा गरीब इंसान, extremely poor. Synonyms हो जाएंगे destitute, impoverished या फिर impecunious. और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई वेल्दी इंसान, रिच, वेल्दी या फिर एफ्यूलेंट। द इंडिजेंट मैन कुड नॉट एफोर्ड फूड फॉर क्लोथिंग। जो गरीब आदमी था वो क्या नहीं कर पाया, ना तो फूड अफोर्ड कर पाया, ना क्लोथिंग। इंडिजेंट
पीपल विल ऑफन वेट इन लाइन फॉर आवर्स टू गेट फूड फ्रॉम द सूप किचन्स। पहली बात तो ये सूप किचन्स है, ये अपने आप में फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ गरीब और होमलेस पीपल को खाना सर्व किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सूप किचन्स। तो इंडिजेंट पीपल को क्या बहुत लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा सूप किचन से खाना लेने के लिए, ठीक है। इंडिजेंट मतलब गरीब लोग। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, अपने देश में बना। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंगर, गुस्सा आना, और इंडिजेंट का मतलब होता है क्या, गरीब, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना ये शब्द। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेलेसेंट, इसका मतलब होता है जब आप कभी बीमार हो जाते हैं और बीमारी से अगर अच्छे हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अच्छा हो जाना या अच्छा हो जाने वाला, जो रिकवर्ड हो चुका है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेलेसेंट, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिक्यूपरेटिंग या फिर रिकवरिंग। ड्यूरिंग माई कॉन्वेलेसेंस आई विल बी ऑन अ रेस्ट्रिक्टेड डाइट अंटिल माई डाइजेस्टिव सिस्टम हील्स, ठीक है। जब मेरा रिकवरी पीरियड होगा उसमें मैं क्या होगी, मेरी डाइट है वो क्या रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, जिससे मेरा जब तक कब तक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से सही ना हो जाए, ठीक है। कॉन्वेलेसेंस का रिकवरी पीरियड हो गया और कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो अच्छा हो चुका है। मिस्टर अमिताभ बच्चन रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ वेल विशेज ड्यूरिंग हिज कॉन्वेलेसेंस इन द हॉस्पिटल। अब पूरे दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही छाए हुए हैं, तो उनका क्या जो रिकवरी पीरियड चल रहा है उसमें उनको क्या मिले, थाउजेंड्स ऑफ सही होने की विशेज मिली हैं। एक द हिंदू में न्यूज़ आई थी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल इन 18 पेशेंट्स। तो जो हम प्लाज्मा ले रहे थे वो किससे ले रहे थे, जो कोविड-19 से रिकवर्ड हो चुके हैं उनकी बॉडी से ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्वेलेसेंट जो रिकवर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्यूसिलैनिमस, जो कायर है, डरपोक है, रिस्क लेने से डरता है, ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्यूसिलैनिमस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कावर्डली, टिमिड या फिर फेंट हार्टेड। एनोनिम ये लकी नहीं, यहाँ पे प्लकी होगा, प्लकी का मतलब क्या होता है, हिम्मती व्यक्ति, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव या फिर प्लकी। एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द फाइट एट द बास्केटबॉल गेम द प्यूसिलैनिमस मैन ट्राई टू रन फ्रॉम हिज अपोनेंट। अब फाइट हो गई तो वो जो डरपोक व्यक्ति था वो क्या, दुबक के भागने लगा, क्योंकि वो क्या था, कायर था। ड्यूरिंग द स्ट्रोम द प्यूसिलैनिमस बॉय क्राउल्ड इन बैड विथ हिज पेरेंट्स। अब छोटे बच्चे जैसे बाहर कहीं भी तूफान आता है तो वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो जो बच्चा था वो कैसा था, प्यूसिलैनिमस था, थोड़ा डरपोक सा था, तो जैसे बाहर तूफान आया वो अपने पेरेंट्स के पास जाके छुप गया। अब एक रूट वर्ड डिस्कस करते हैं आज, चैवल, उसका मतलब होता है हॉर्स। तो इससे तीन शब्द बने हैं, कैवलकेड, कैवलियर और शिवलरस। आपने 26 जनवरी 15 अगस्त सब को है ना, कभी ऐसे ओकेजन पर परेड देखी होगी जिसमें क्या घोड़ों पर सवार होकर सोल्जर्स मार्च करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैवलकेड, ठीक है। कैवलकेड एक बहुत लॉन्ग प्रोसेशन जिसमें लोग एक के पीछे एक चलते हैं घोड़े पर सवार होके, उसे हम बोलते हैं कैवलकेड। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलियर, जब हम इसको एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति। और जब हम इसे एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं कैवेलियर, तो इसका मतलब होता है कोई लापरवाह व्यक्ति, अभिमानी, ठीक है, जो फिक्र नहीं करता, कुछ भी बोलता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंसोशिएंट, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, और इंडिफरेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रियान विल रिग्रेट हिज कैवेलियर एटीट्यूड अबाउट स्टडिंग व्हेन ही फेल्स टू ग्रेजुएट ऑन टाइम, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पछताएगा कि उसने अभी नहीं पढ़ा और वो सही समय पे ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, उसका टाइम लिमिट पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये अभी उसका कैसा एटीट्यूड है, कैवेलियर, लापरवाह एटीट्यूड है जिसमें वो पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो जरूर पछताएगा बाद में। नेक्स्ट वर्ड है शिवलरस, ऐसा माना जाता है कि जो हॉर्स होते हैं वो काफी काइंड होते हैं, तो वहीं से ये वर्ड बना है शिवलरस। इसका मतलब क्या होता है, एक कर्टियस और गैलेंट, मतलब एक बहादुर, एक उदार व्यक्ति, और जिनका व्यवहार स्पेशली वुमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं शिवलरस, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रेट हार्टेड और मैग्नानिमस। एग्जाम्पल देखते हैं, अ शिवलरस मैन ऑफर द वुमेन हिज सीट ऑन द क्राउडेड बस, ठीक है। एक भरी हुई बस में एक शिवलरस मैन ने क्या किया, एक वुमेन के लिए अपनी सीट ऑफर की। ड्यूरिंग द हैवी रेन द शिवलरस मैन गिव द वुमेन हिज अम्ब्रेला, यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
ये क्या किया, बहुत तेज बारिश में एक व्यक्ति ने क्या किया, एक वमेन को अपना अम्ब्रेला दे दिया, तो वो कैसा व्यक्ति हुआ, शिवलरस हुआ। ठीक है, शिवलरस मतलब उदार व्यक्ति। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।